भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच नॉटिंघम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में इंग्लैंड टीम के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने बेहद ही शानदार शुरुआत की। इंग्लैंड की टीम को पहला झटका पहले ही ओवर में लगा जब बिना खाता खोले रोरी बर्न्स जसप्रीत बुमराह की गेंद पर LBW आउट हो गए। हालांकि इसके बाद डोम सिबली और जैक क्राउले ने इंग्लैंड की टीम को संभाला। पहला विकेट हासिल करने के बाद भारतीय टीम को दूसरी सफलता 20वें ओवर में मिली, जिसमें विकेट कीपर ऋषभ पंत का बहुत बड़ा हाथ था। मोहम्मद सिराज की गेंद पर जब भारतीय टीम को दूसरा विकेट मिला तब विकेट कीपर ऋषभ पंत ने विराट कोहली को काफ़ी देर तक DRS लेने के लिए मनाया। इसके बाद विराट कोहली ने ऋषभ पंत की बात मानी और टीम इंडिया को जैक क्राउली का विकेट मिल गया। बता दें कि कप्तान विराट कोहली ऋषभ पंत की बात नहीं मानना चाहते थे, वो DRS लेने में हिचक रहे थे क्योंकि उन्हें ऋषभ पंत की बात पर भरोसा नहीं था। इसके पीछे की वजह ये थी कि 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान विराट कोहली ने जैक क्राउली के खिलाफ ही DRS का इस्तेमाल किया था और वो गलत साबित हुआ था। रिव्यू गंवाने के 3 गेंद के बाद ही सिराज की ही गेंद पर जैक क्राउली आउट हुए। इस बार गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर उनके थाई पैड्स पर लगी और विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने कैच लपक लिया। हालांकि विराट कोहली को ये लग रहा था कि गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे पर नहीं लगी है, लेकिन ऋषभ पंत को इस बात का पूरा भरोसा था कि गेंद ने बल्ले को छुआ है। फिर विराट कोहली ने गेंदबाज सिराज से पूछा, लेकिन वो इस बात को लेकर श्योर नहीं थे। लेकिन ऋषभ पंत के बार बार कहने के बाद कप्तान विराट कोहली DRS के लिए गए और उनका ये फैसला काम कर गया। थर्ड एम्पायर ने क्राउली को आउट करार दिया, जिसके बाद विराट कोहली और ऋषभ पंत की खुशी का ठिकाना नहीं था। ऋषभ पंत के इस फैसले ने क्रिकेट फैंस को MS धोनी की याद दिला दी। आपको बता दें, इस सीरीज से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC के नए चरण की शुरुआत हो रही है। ऐसे में भारत और इंग्लैंड दोनों चाहेंगी कि इस मुकाबले को जीतकर पॉइंट्स टेबल में अपनी बढ़त बना ले। क्रिकेट से जुड़ी और ज़्यादा जानकारी के लिए आप NBC हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन की घंटी आप तक सबसे पहले पहुँचे।